मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल मम एंड डैड। सो इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। मैं आज आपको कुछ बेबी के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आज आपको एक फ्रूट के बारे में बताने वाली हूँ, जो है एवोकाडो। हम सब जानते हैं कि एवोकाडो बेबी के लिए कितना हेल्पफुल होता है, ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट होता है बेबी को इसको देने से, ब्रेन के लिए, वेट गेन के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एवोकाडो बहुत ही अच्छा होता है बेबी को देने के लिए। बट इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एवोकाडो मैंगो की प्यूरी पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने आधा एवोकाडो यूज़ किया था। सो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूं कि अगर आधा एवोकाडो यूज़ किया है तो आधा एवोकाडो आप और कैसे स्टोर कर सकते हो और अपने बेबी को दे सकते हो। सो होता क्या है कि इंडिया में एवोकाडो शायद अभी भी थोड़ा सा मुश्किल होगा लेना, आपको शायद सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन ही मंगाना पड़े, बट फिलीपींस में ये ईज़िली मिल जाता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्रूट होता है ये। सो हम इसको स्टोर करके अपने बेबी को दे सकते हैं। सो मैं बात करने वाली हूँ राइप और अनराइप दोनों एवोकाडो के बारे में। अगर आपके पास अनराइप एवोकाडो है, जो कि ऐसा दिखता है, पूरा ग्रीन होता है, और अगर जब ये राइप हो जाता है तब ये ब्राउन हो जाता है, तो ये एवोकाडो को आप ऐसे ले सकते हो कि राइप अनराइप कैसे करके। और अगर आपको एवोकाडो राइप करना है तो आप इसको चावल की बोरी में एक या दो दिन के लिए रख सकते हो, तो ये एवोकाडो राइप हो जाएगा और फिर आप अपने बेबी को दे सकते हो। बट अगर राइप एवोकाडो है और आधा हमने यूज़ किया और आधा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो आप एवोकाडो को एक सिंपल ट्रिक से स्टोर कर सकते हो, सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, वो है अनियन। अनियंस के पीसेस काट के आप इसे स्टोर कर सकते हो। सो आपको करना क्या है कि एवोकाडो को पहले कट करना है, पूरा राइप एवोकाडो है, इसको दो पार्ट में कट करना है। ये पार्ट मैं यूज़ करूँगी और ये वाले पार्ट को स्टोर करूँगी। सो आपको एक एयर टाइट जार लेना है जिसमें आप ये एवोकाडो स्टोर करोगे, और ये अनियन के छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, और इस पीसेस को आपको पूरे डब्बे पे फैला देना है, क्योंकि मेरा पर्सनली एवोकाडो बहुत फेवरेट फ्रूट है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेबी को रोज़ दूँ। तो मैं इसे ऐसे स्टोर करके एक दिन उसकी प्योरी बनाकर, एक दिन स्मूदी बना के मैं अपने बेबी को देती हूँ। सो आप इसे अनियन को कट कर लो, और उसके बाद आपको ये एवोकाडो इसमें रखना है। आप चाहे तो इसे गुठली के साथ रख सकते हो, बट ये बॉक्स मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, सो मैं इसकी ये गुठली हटा दूँगी। सो गुठली हटा के भी ये सेम फ्रेश रहेगा एक या दो दिन तक। सो आपको ये गुठली हटा दीजिए और फिर इसको डब्बे को बंद कर दीजिए। सो इसे आपको फ्रिज में स्टोर करना है, फिर ये आप एक या दो दिन तक अपने बेबी को आराम से दे सकते हो। आपने देखा कि हम कैसे राइप एवोकाडो को स्टोर कर सकते हैं एक या दो दिन के लिए, एकदम फ्रेश होता है। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मुझे भी ये नहीं पता था, बट यहाँ पर एक फ्रूट सेलर ने मुझे ये ट्रिक बताई कि आप ऐसे एवोकाडो को स्टोर कर सकते हो जो बिल्कुल फ्रेश रहता है एक या दो दिन तक। सो होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मम्मीज के साथ भेजिएगा, जिससे वो अपने बेबी के लिए एवोकाडो को स्टोर कर सके। और मेरे चैनल में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।